तेलंगाना के फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मण ने अपने बीजेपी दफ्तर में तेलंगाना लिबरेशन डे के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और मीडिया से खिताब भी किया। इस दौरान उनके हमराह बीजेपी के कई कारकुन भी मौजूद थे। राष्ट्रव्याप्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों बूथ स्थाई भारत तिरंगा पताका एगरता मन अंदर तेज भारत देशा स्वातंत्र अगस्त 1947 हैदराबाद राष्ट्र की मन को स्वातंत्र 17 सितंबर 1948 आना निजं प्राता पाकिस्तान तो कलपड़ो लेकिन वेरे देश का प्रकट प्रयत्न चैन का सरदार वल्लभभाई पटेल गारी ऐसी वाल हैदराबाद राष्ट्र अंत इन तेलंगा प्रांत भारत देश भूभाग अबी दी मन अंदर चला गर्व जल्स अवसर उबे अनेक संवसरा भारतीय जनता पार्टी प्रभुत्ता जरपमनि अधिकारिक कांग्रेस पार्टी जरपले टीडीपी जरपले इपड़ो टीआरएस पार्टी वैन तरह आ उद्यम में जरूता चपनाएस पार्टी सैवीन सितंबर अधिकारिक जरक जरपक कारण केवल मजलिस पार्टी भयपड़ी उद्यम में चुनाव वग्दा मर्चिपोई मजलिस पार्टी को ओट बैंक पाल भयपड़ वारे वग्दा मर्चिपोता కాబట్టి భారత ప్రభుత్వం కూడా దీని సుముఖంగా ఉంది జరపడానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే లేదు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు అన్ని కార్యాలయాలు కూడా బూత్ లెవెల్లో కూడా జెండా ఎగిరేసావు ఇప్పుడు కూడా అధికారికంగా జరిపే వరకు ఈ యొక్క డిమాండ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో వస్తే ఇది అధికారికంగా జరుపుతామని చెప్పేసి కూడా तेलंगाना विमोचन दिवस है, लेकिन क्या हमारे यूथ को, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें पता है आज क्या दिवस है? नहीं पता, क्योंकि हमारी जो ये सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, उसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं। सब ये जानते हैं कि पूरा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, परंतु नहीं, तेलंगाना जो हैदराबाद हमारी सिटी है, ये 17 सितंबर 1948 को आज़ाद हुई। और क्यों? क्योंकि यहाँ जो निजाम गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि वो या तो पाकिस्तान जाए या स्वतंत्र रहे, परंतु भारत में उसका विलय ना हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चले, अगर उसे अपनी हिस्ट्री पता चले, तो उसे गौरवमय इतिहास का पता चलेगा। तो हमारी सरकार का कर्तव्य है कि ये आज का दिवस जरूर मनाए और हम सबको ये सपोर्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी 21 साल से तेलंगाना विमोचन दिवस मनाने के लिए जो आंदोलन कर रही है, आज जो है तेलंगाना के नाम पर टीआरएस पार्टी बन और सरकार आने के बाद मजलिस के आज जो निज़ाम हुकूमत के अंदर पूरा हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में जो आया, 13 महीने के बाद यहाँ तेलंगाना में आज़ादी मिली सितंबर 17, 1948। तब तक निज़ाम के हुकूमत के अंदर रजाकारों ने जो लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, और जो निज़ाम नवाब ने मना किया हिंदुस्तान में विलीन होने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पोलो एक्शन द्वारा हिंदुस्तान में विलीन हुआ 17 सितंबर 1948 में। इसलिए यहाँ तेलंगाना का जो स्वेच्छा जो स्वतंत्र मिला उसको मनाने लेके हर पार्टी मांग रहे, और जब सरकार में आए
मजलिस के दावों पर। मजलिस पार्टी जो है वो रजाकार का राजनीतिक दल, मजलिस पार्टी रजाकारों का जो हमले जो करे निज़ाम की हुकूमत में वो सब आज इतिहास में आएगा, इसीलिए वो दबाव में आकर नहीं मना रहे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी 21 साल से लगातार ये आंदोलन कर रही है, तब तक बीजेपी तेलंगाना में सरकार नहीं बनती तब तक विमोचन दिनोत्सव ये नहीं बनेगा। उसी के अलावा आज मोदी जी का जन्मदिन अवसर पर पूरा सेवा सप्ताह के नाम पर आस्था दिन लोगों को सेवा करने के लिए गरीब के लिए, और आज नरेंद्र मोदी जी का हुकूमत 7 साल से गरीब जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में मोदी जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और यहाँ हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने के लिए भगवान का